अल्लाह बरकातहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रमान सिद्दीकी। ये वीक सजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा? 17 जनवरी से लेके 23 जनवरी 2022 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ, और अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम तो आप अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप सजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आप भी सजिटेरियस हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सजिटेरियस वालों के साइचे के फर्स्ट हाउस में मरीख है। मरीख बेहतर कंडीशन में है। अगर आप बाय बर्थ वीक सजिटेरियस नहीं हैं तो मरीख के साइचे के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से आपके काम में बेहतरी तो आ रही होगी, लेकिन इस वीक के अंदर आपके लिए खुशखबरी है कि आपके साइचे के 8th हाउस में फुल मून होना है, साइचे के 6th हाउस में यूरेनस ने अट्रैक्ट होना है, और साइचे के 3rd हाउस में सूरज ने जाना है जहाँ पर मरकरी के साथ करान करना है। मतलब कि इस वीक के अंदर ये जो सितारों की मोमेंट है आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगी, आपकी सेहत के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगी, आपके कामकाज के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगी, आपकी मलाजिम और मलाजमत के मामलात में बेहतरी लेके आएगी, आपके फाइनेंशियली हालात में भी बेहतरी लेके आएगी सजिटेरियस के। अगर आपके फाइनेंशियली हालात डाउन चल रहे थे, किसी ना किसी वजह से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो माली हालात बहुत हद तक अब आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक में सूरज ने 20 जनवरी 2022 को जायचे के 2nd हाउस से जायचे के 3rd हाउस में जाना है। यहाँ पर ये आपके लिए कम्युनिकेशन के मामलात, आपकी सोच समझ, आपके रिलेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं, अदीब, शायर, जज, उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर आपके रूहानी मामलात में भी काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। रूहानी तौर पर आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर आपके जायचे के 3rd हाउस में जिस वक्त सूरज जाएगा तो आपके जायचे के 3rd हाउस में ये हर तरह की नहूसत को बरतरफ कर देगा। मतलब कि आपके कामों में जो रुकावट चल रही थी, अब वो रुकावट काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आएगी। उस रुकावट की वजह से अगर आप कहीं मामले में स्टक हुए हुए थे तो अब रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। सिर्फ आप सूरज को जायचे के 3rd हाउस में पहुंचने दें और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर किस तरह की नई डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। ये 20 जनवरी को पहुंच रहा है और पूरा 1 महीना आपके जायचे के 3rd हाउस में रहेगा। पूरे 1 साल के बाद ये आपके जायचे के 3rd हाउस में आ रहा है। हालांकि सूरज को एक्वेरियस में कोई पावर नहीं होती, लेकिन ये आपके जायचे के 3rd हाउस में आ रहा है तो आपको तो बेनिफिट ये देगा। आपके ज़ाती मामलात में भी ये बेहतरी लेके आएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतिएगा अगर आप बाय बर्थ वीक सजिटेरियस हैं। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।